आप लोगों को दिख पा रहा होगा कितने आराम से ये सोए हुए हैं। दोस्तों हमारे साथ एक सहयोगी हैं और ये पानी में सोने वाले हैं। सबसे पहले आपको पानी की गहराई दिखाने वाले हैं कि गहराई कितना है, और उसके बाद पानी में सोएंगे। यहाँ पे सीढ़ी पे खड़ा है और जैसे जैसे आगे की ओर बढ़ेंगे आपको पहले पूरा तालाब दिखा दे रहे हैं, कितना भव्य और बड़ा तालाब है, दिख पा रहा होगा। जैसे जैसे ये सीढ़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे, इधर सीढ़ी है, सीढ़ी से आगे की ओर बढ़ेंगे ये गहराई की ओर बढ़ते जाएंगे। थोड़ा आगे पानी नापिएगा कितना है सीढ़ी से नीचे, ये भी सीढ़ी है और इसके बाद सीढ़ी खत्म हो जाता है। इतना पानी करीब वही जो है अंदर तो करीब 25-30 फीट, तो थोड़ा सा और वही पानी नापिए, पानी नापिए कितना है, इतना है, बहुत सारा पानी है। तो यहाँ पे अथाह पानी है, यानी कि ये देख सकते हैं ये भीतर गए हुए हैं नापने के लिए। तो यहाँ पे अथाह पानी है, जिनको तैरने आएगा वही तैर पाएगा और अन्यथा डूब सकते हैं आप। और ये अभी यहीं पे सोने वाले हैं, देख सकते हैं इनके शरीर में कुछ नहीं लगा हुआ है। जैसा कि आप लोग कमेंट कर रहे थे कि नीचे शरीर के कुछ लगा लिया है चाहे कुछ भी, तो ऐसा कुछ नहीं है, ये दिखाने वाले हैं अभी। आप यहाँ पे तो अथाह पानी है, यहाँ पे सोइए आराम, बिल्कुल आराम से सोइए। आप किस प्रकार से सोते हैं आप लोगों को दिख पा रहा होगा कितने आराम से ये सोए हुए हैं। पैर इनका दिख रहा है, हाथ दिख रहा है, सब कुछ दिख रहा है। और ये आसानी पूर्वक अथाह पानी में सोए हुए हैं और ये बहुत देर तक सो सकते हैं। कितना देर तक सोते हैं वो तो 24 आवर बता रहे थे कि हम सो सकते हैं, लेकिन हम उतना देर तक रिकॉर्ड ही नहीं कर पाएंगे। तो हम 4-5 मिनट 10 मिनट देखते हैं कितना देर तक सो पाते हैं और ये कैसे सांस लेते हैं, क्या करते हैं, वो भी आपको बताने का प्रयास करेंगे। आपको बिल्कुल आसानी पूर्वक दिख रहा होगा किस प्रकार से इनका पैर हाथ सारा आपको दिख रहा होगा। दोस्तों ऐसा नहीं है, हम भी इतना पानी में है, यानी कि इतना पानी यहाँ मेरे भी है और अगला सीढ़ी पर उतरते हैं तो इतना पानी हो जाता है। तो इतना पानी के बाद इधर देख सकते हैं भाई जी किस प्रकार से सोए हुए हैं, वहाँ पे देख सकते हैं किस प्रकार से भाई जी सोए हुए हैं और यहाँ पे इतना पानी है। इससे अधिक निकलेंगे तो हम कैमरा जो मेरा है वो कैमरा लेकर ही डूब जाएंगे, इसलिए हम आगे नहीं बढ़ पा रहे हैं। आपको बैक कैमरा से दिखाने का प्रयास किस प्रकार से ये सोए हुए हैं। न हाथ चला रहे हैं, न पैर चला रहे हैं, आराम से आसानी पूर्वक सोए हुए हैं। देख सकते हैं ये बिल्कुल आसानी पूर्वक पानी के ऊपर सोए हुए हैं। जैसे ही ये बाहर निकलते हैं इनसे पूछने का प्रयास करेंगे कि ये क्या कर रहे थे, कैसे सीखे थे पानी के ऊपर रहना, कितना दिन लगा था, क्या करते हैं, पूरी जानकारी लेने का प्रयास करेंगे। लेकिन एक बात क्लियर है, यदि आप पानी में अच्छे से तैरने जानते हैं तभी आप पानी के ऊपर इस प्रकार का अभ्यास कर सकते हैं और सीख भी सकते हैं। जो ये बताएंगे उन्हीं को फॉलो करना है और सीखने का प्रयास करना है। लेकिन यदि आपको अच्छे से तैरने आएगा तब, यदि आपको अच्छे से तैरने नहीं आता है तो एक छोटे बच्चे को आसानी पूर्वक तैरना सिखाए हैं, वीडियो के अंत में वीडियो मिल जाएगा आपको इन डिस्क्रिप्शन में या डिस्क्रिप्शन में दिया गया है, जाकर देख सकते हैं और अच्छे से पहले तैरना सीख सकते हैं। देख सकते हैं आप नाक से ऊपर भी पानी आ जा रहा है, यानी कि आँख से ऊपर नाक तक पानी आ जा रहा है कभी कभी।
जब ये सांस लेने का प्रयास करते हैं, ये सोए हुए हैं तो ऐसा नहीं कि सांस रोक लिए इतना देर तक, सांस ले रहे हैं धीरे धीरे, इतना देर तक कोई सांस नहीं रोक पाता है तो सांस ले रहे हैं। जब जब सांस ले रहे हैं तो पानी का लेवल बढ़ जा रहा है, और सांस जब रोक रहे हैं तो पानी का लेवल घट जा रहा है धीरे धीरे। आप देख पा रहे होंगे इनके चेहरे को और इनके पूरे शरीर को। मिट्टू जी खड़ा हो जाइए, मिट्टू जी बहुत देर तक सो लिए हैं, और देख सकते हैं ये आसानी पूर्वक इधर सोए हुए थे और धीरे 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 इधर को आ गए। और बहुत सारे लोग कहते हैं कि इनके भीतर कुछ लगा हुआ है, नीचे कुछ लगा हुआ है, ऐसा कुछ नहीं भाई, ये अभ्यास के चलते धीरे 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 अभ्यास करते करते ऐसा हो गया है। और थोड़ा सीढ़ी की तरफ इधर आ जाइए, वहाँ अथा पानी है, यहाँ पूरा पानी, वहाँ पूरा पानी है, तो इधर आ जाइए। थोड़ा दर्शकों को बताइए कि किस प्रकार से आप तैर रहे थे, और तैरने अगर कोई चाहता है कि पानी के ऊपर रहे तो उनको क्या करना चाहिए। सबसे पहले बता दें कि यदि आपको तैरने नहीं आता है तो आप पहले जाकर तैरना सीखिए, उसके बाद कर पाइएगा। ऐसा नहीं है कि बिना तैरे आप सीख जाइएगा। हमारे साथ मिट्टू जी हैं और ये बताएंगे। तो पहले तो जिनको तैरने नहीं आता है वो तैरने, डिस्क्रिप्शन में लिंक है, एक छोटे बच्चे को आसानी पूर्वक तैरना सिखाएं स्टेप बाय स्टेप, जाकर देख लीजिए और तैरना पहले सीख लीजिए। एक नंबर, तैरने जब अच्छे तरीके से आ जाए तब ये अभ्यास करना है। जब तैरने हमको अच्छे तरीके से आ जाए तब कैसे इसको क्या करेंगे तो हम सीख पाएंगे पानी के ऊपर रहना। जिस तरह से प्राचीन समय में ऋषि मुनि लोग जिस तरह तपस्या करते थे और बहुत बहुत देर तक रहते थे, उसी तरह से हम लोग जो है सीखे हैं पानी में रहना, और धीरे धीरे जो है हम लोग गंगा जी में तैरे हैं। उसके बाद से अब धीरे धीरे सीखिएगा, उसके बाद जो है धीरे धीरे सांस रोक करके जो है दो में एक मिनट जो है 25 सेकंड 10 सेकंड में अपने ऊपर आ जाइएगा धीरे धीरे तैर। तो इनका कहना है कि पहले के समय में ऋषि मुनि इसी प्रकार से पानी के ऊपर तपस्या किया करते थे सो के, और उसी प्रकार से उसी को टू कॉपी करते हुए हम लोग धीरे धीरे अभ्यास किए हैं। और इनका कहना है कि अगर सांस रोकते हैं आप, रोक के ऊपर रहने का प्रयास करते हैं, यदि बिल्कुल अच्छे तरीके से आता है आपको तैरने और पीछे होकर सांस रोक कर रखना चाहते हैं तो धीरे धीरे ऊपर आने लगेगा। हाथ पर बिल्कुल नहीं चलाना है, बिल्कुल नहीं चलाना। हाँ जी, आपको दिख रहा होगा किस प्रकार से ये सोए हुए थे, उसी प्रकार से आपको सोना, हाथ पैर बिल्कुल नहीं चलाना है। और अभी हम लोग इतने पानी में हैं, वो अधिक गहराई में इधर गए हुए थे, अधिक गहराई था वहाँ पे, तो ये इसी प्रकार से तैरना है। ऐसा कुछ नहीं है कि शरीर के नीचे कुछ लगाया गया, बहुत सारे लोग बोल रहे थे कि शरीर के नीचे कुछ लगाया गया था, तो ऐसा कुछ नहीं है दोस्तों। आपने देखा किस प्रकार से ये तैरना आरंभ किए, कितना पानी में, और खड़ा भी हुए, तो आपने क्लियरली सब कुछ देखा। धन्यवाद, फिर मिलता है अगले वीडियो के साथ। इसी प्रकार के वीडियो पाने के लिए प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, जिससे मेरा वीडियो सबसे पहले आप तक पहुँच पाए। धन्यवाद।